महाराष्ट्र में रविवार को बीजेपी के पूर्व विधायक विनायक मेटे की मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसके पीछे ट्रैफिक एक्सपर्ट एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने को वजह मानते हैं। हाईवे पर ट्रैफिक की स्पीड के बारे में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से जुड़े एक अधिकारी का कहना है कि एक्सप्रेस वे पर 2016 में प्रति 2 किलोमीटर की दूरी में 3 लोगों की मौत हुई है, जो राष्ट्रीय औसत प्रति 2 किलोमीटर के दायरे में 1.5 मौतों से 150% ज्यादा है। यह आंकड़ा बताता है कि देश में सबसे घातक हादसा एक्सप्रेस वे पर ही होता है। राज्य परिवहन विभाग के सीनियर ऑफिसर मिलिंद महेश्वर ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर चार पहिया वाहनों के लिए गति सीमा को 120 किलोमीटर प्रति घंटे से घटाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे करने से इन दुर्घटनाओं पर कुछ हद तक काबू पाया जा सकता है। बावजूद इसके आज भी लोग लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं और अक्सर ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ ट्रैफिक एक्सपर्ट जगदीप देसाई का मानना है कि बाकी देशों की तरह भारत में भी भारी वाहनों को जीपीएस सिस्टम लागू करना चाहिए, जिससे उनको लेन में चलने के लिए ट्रैक किया जा सके। राज्य परिवहन विभाग के रिपोर्ट के मुताबिक एक्सप्रेसवे पर होने वाली मौतों में थोड़ी कमी आई। 2018 में 100 किलोमीटर के दायरे में 110 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 2021 में 82 लोगों ने अपनी जान गंवाई। बता दें कि मुंबई में रोड एक्सीडेंट राज्य में होने वाले सड़क हादसों की तुलना में 22% ज्यादा है। हाईवे ट्रैफिक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में इस साल जनवरी से मई तक हुए रोड एक्सीडेंट की संख्या 19,833 है, जिनमें से मुंबई में हुए सड़क हादसों की संख्या ही 8,768 है। इस दौरान महाराष्ट्र में रोड एक्सीडेंट में पिछले 4 महीनों में 5,332 से अधिक लोगों की मौत हुई है, 10,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। Report, Metro Mumbai.